गई है कयामत की रात, मैं हूं नागिन। पच्चीस सालों से दीवार के उस पार वो सूर्यवंशी और वहां के नाग नागिन सभी नागमणि की शक्तियों से जड़े हुए हैं, और 25 सालों से हम चंद्रवंशी यहां श्रापित इंतजार में खड़े हैं। बस अब और नहीं, उस दीवार को तोड़ने का वक्त आ गया है। आज की रात जब तक नागमणि हमारे हाथ में नहीं आ जाती, इस रात की सुबह नहीं होगी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो ये है महिष्मति, सूर्यवंशी के पुराने दुश्मन चंद्रवंशी, तो ये मदद करेंगे मेरी। ये कोई मामूली रात नहीं है, ये वो रात है कि जिसके हाथ में नागमणि होगी अगले 25 सालों तक नागमणि की सारी शक्तियां भी उसके पास होंगी। हवाओं का रुख बदल रहा है, वक्त का आखिरी पहर भी ढल रहा है। आज रात नागमणि पर किसी एक की मोहर लगेगी, और वो मोहर किसी और की नहीं, महिष्मति की होगी। जय हो महिष्मति, जय हो महिष्मति, जय हो, जय हो, जय हो। ये है महिष्मति नगरी। हम महिष्मतियों की बहुत पुरानी कहानी है। हमारे राज्य में राजा भी एक रानी है, रानी अवंतिका। रानी अवंतिका की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मधुमक्खियों की तरह महिष्मतियों में भी रानी का राज है, रानी के सर पे ताज है। झुको, राजा को सलाम करो। नागिन हूं मैं, और एक इच्छाधारी नागिन झुकती नहीं, डसती है। मैं तो यहां तुम लोगों के झुके सर उठाने आई हूं, वो दीवार तोड़ने आई हूं। साल बाद होगा रानी अवंतिका का वार,
जलाएगा नागमणि को दीवार के इस पार। हो जाओ तैयार, युद्ध शुरू होने वाला है। जय हो, राजा जी। जिस नागिन को लाने का हमने आपको हुक्म दिया था वो कहाँ है? यहाँ है रानी साहिबा। सारी कायनात जानती है कि इच्छाधारी नाग नागिन नागमणि के रखवाले होते हैं, सूर्यवंशी के प्यारे होते हैं। 25 साल से इंतजार कर रहे हैं नागिन को यहाँ लाने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए। आज नागिन खुद चलकर यहाँ आए, दोस्त बन के आए। वजह सुना तो होगा तुमने, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम्हारे जो दुश्मन है वो मेरे भी दुश्मन है। नागमणि की जो शक्तियाँ तुम्हें चाहिए वो मुझे भी चाहिए। जय हो। अगर तुम नागमणि हमारे पास ले आओगे तो उसका रक्षक तुम्हें ही बनाएंगे, ताकि हम दोनों को नागमणि की शक्तियाँ मिल सके। अब आओ, महेशमती नगरी में तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारी मेहमान हो तो हम भी तुम्हारे कदरदान हैं। तुम्हारी पूजा करेंगे, सराखों पर रखेंगे तुम्हें। सूर्यवंशियों के यहाँ तो तुमने सिर्फ पहरेदारी की होगी, चंद्रवंशी के यहाँ तुम्हें पता चलेगा कि खातिरदारी क्या होगी। जय हो नागिन। अमावस्या की रात शुरू हो चुकी है। अगर आज वो दीवार नहीं टूटी तो 25 साल और इंतजार करना होगा। नहीं, वो दीवार आज ही टूटेगी, आज की रात। तो चलो, वो दीवार तोड़ने का वक्त आ गया है। शिवन्या, वो आ रहे हैं, उनके आने का संकेत आ रहा है। हम दोनों अकेले हैं और उनके पास हजारों की फौज है, हम कैसे सामना करेंगे उनका? आने दो ने, अगर वो महिष्मती हैं, तो आज वो भी देख ले नागिन हूं मैं। एक नागिन के इरादों की आग जब अर्श पर आती है तो एक नागिन भी हजारों की फौज बन जाती है। और आज इस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दो। तुम्हारे हजारों सैनिक मिलकर भी ये दीवार नहीं तोड़ सकते, मैं अकेली तोड़ूंगी इसे। मैं हूं नागिन। We'll be right back.
क्या हो रहा है? ये दीवार टूट क्यों नहीं रही? तुम्हें जो करना है करो, अपनी सारी शक्तियां लगा दो। तुम इच्छाधारी नागिन हो ना, आज मुझे ये दीवार हर हाल में टूटी हुई चाहिए। रुक जाओ, एक इच्छाधारी नागिन भी इस दीवार को नहीं तोड़ सके। कहीं कोई दूसरी नागिन तो नहीं उस दीवार के पीछे जो इसे टूटने से रोक रही है? थी एक नागिन, लेकिन अब उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ मैं हूं। मैं हूं नागिन, नागिन। कौन हो सकती है दूसरी नागिन? ये कौन है? ये कौन है? शिवन्या, तुम? तुम्हारी शक्तियां तो जा चुकी थी। तुम्हें क्या लगा तुम दीवार तोड़कर नागमणि ले जाओगी? हम नाग नागिन नागमणि के रखवाले हैं। आज तुमने पूरे नागवंश को बदनाम किया है। मैं तुम लोगों को ये दीवार कभी नहीं तोड़ने दूंगी। तुम्हारी और उन महिष्मतियों की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। नागमणि शिव जी की धरोहर है और वो शिव जी के शरण में ही जाएगी। अच्छा, तो देखते हैं आज किसकी किस्मत धनी है, आज किसके पास होगी नागमणि। आज मैं खुद लाऊंगी वो नागमणि और उसके बाद मैं अपनी हर चाह पालूंगी। देखते हैं किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। नहीं छोड़ूंगी तुझे आज। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी शिवन्या। शिवन्या, बस इतनी सी शक्तियों पर गुमान था तुम्हें?
यही था एक नागिन का वार, एक नागिन की हार। अब देखो हमारी मधुमक्खियों का वार। अगर उस दीवार को तोड़कर नागमणि लानी है तो पहले उस नागिन को मारना होगा। ये नागिन अपनी सारी शक्तियां खोकर इंसान बन चुकी थी, लेकिन आज इसका इतना भयानक नागिन रूप आया है, लगता है इसने कोई बहुत ही बड़ा वरदान पाया है। आज इसे मारना मेरे वश में नहीं है। इस नागिन को मारने में तुम्हारी शक्तियां कम पड़ सकती हैं, हमारी नहीं। हमारे पास अब भी एक ऐसा शस्त्र है जो इस नागिन को मौत के घाट उतार देगा। मधु शस्त्र। जाओ, जाकर उस दीवार को टूटने से रोको। आज कायनात की कोई भी शक्ति मुझे नागमणि की रक्षा करने से नहीं रोक सकती। आखिरी सांस तक लड़ूंगी मैं। और मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। जाओ, शस्त्र से उस इच्छाधारी नागिन को खत्म कर दो। पर याद रखना, अगर हमें धोखा दिया तो वापस धोखा ही पाओगे। यहां नहीं, इस दुनिया से लौट जाओगे। हमारी मधुमक्खियां तुम्हें पाताल से भी निकाल देंगी। जाओ, जाकर वो नागमणि हमें लाकर दो। आज पीछे नहीं हटना है, अपनी जान पे खेल के भी नागमणि की रक्षा करनी है। शिवन्या, शिवन्या तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवन्या, शिवन्या यहाँ देखो, मेरे पास देखो। मैं आई और तू गई। अब नागमणि भी मेरी और ऋतिक भी मेरा, लेकिन उससे पहले मुझे नागमणि लानी होगी। ऋतिक, हम दोनों में से किसी एक को मरना ही था। तुम जाओ, जाकर नागमणि की रक्षा करो। वो नागमणि दीवार के उस पार ना जा पाए। जाओ, जाकर रोको शेषा को। नहीं शिवन्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैसे बचाओ तुम्हें? शिवन्या, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ये क्या किया तूने? अब रोने से क्या हासिल होगा ऋतिक? अब ये खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ मैं और तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया। तुम दोनों की प्रेम कहानी खत्म हो गई। अब सिर्फ मैं हूं तुम्हारे लिए ऋतिक। मैं मणि लेकर आऊंगी और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। कभी नहीं ले जा सकोगी, ना मणि को ना मुझे। शिवन्या, शिवन्या, रखी है नागमणि।
है तो मैं नागमणि नहीं ले जाने दूंगा। कितनी बार कहा है तुमसे ऋतिक, ये नागमणि मेरी हुई, तुम भी मेरे हो जाओ। हम दोनों मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे। मैं दुनिया पे राज करने नहीं, नागमणि की सुरक्षा करने आया। हम सूर्यवंशी सिंह घराने वाले नागमणि के रक्षक होते हैं। ये राजपाट, ये तख्तो ताज, ये सब किस्मत वालों को मिलता है ऋतिक। शिवनिया तो इस दुनिया में नहीं रही, अब अकेले जिंदगी के तन्हा पल कैसे बिताओगे तुम? शिवनिया के साथ बिताए हुए पल मेरी पूरी दुनिया है, और उस दुनिया में तुम कभी नहीं आ सकती। ऋतिक, अपने प्यार को नहीं मार सकती। अभी अमावस्या के आखिरी 2.5 घंटे बाकी है, तो मैं तुम्हें बाद में पालूंगी ऋतिक, लेकिन अभी अभी मुझे नागमणि लेकर जाना होगा। शेषा, इस साल से इंतजार कर रहे थे इस मणि का इंतजार। तुमने अपना वादा पूरा किया, अब हम अपना वादा पूरा करेंगे, पर उससे पहले कुछ बाकी है। परसों बाद ये मणि हमारे हाथ आई है, आज तो कुदरत भी हमारे साथ आई है। नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। जय हो, जय हो, जय हो। आज से नागमणि महिष्मती की अमानत हुई। जाइए रानी साहिबा, जाइए और इस नागमणि को उसके सिंहासन पे विराजमान कर दीजिए। यही है, ये वक्त हमारा है, ये मणि हमारी है। 25 साल जिसका इंतजार किया, जिसके लिए हमने अपना सब कुछ बांट दिया,
आज वो मणि हमने पा ली है। अब ये मणि वहीं होगी जहां इसे होना चाहिए। रानी साहिबा को तो नागमणि लेकर महल की तरफ जाना था, फिर ये दीवार की तरफ क्यों जा रही है? ये दीवार के उस पार कैसे जा सकती है? ये तो सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन ही कर सकती है। यही तो नागमणि की शक्ति का कमाल है शेषा। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि रानी साहिबा नागमणि लेकर दीवार के उस पार क्यों चली गई। नागिन हूं मैं, अब तुम उस नागमणि को छू भी नहीं सकती। नागमणि शिवजी की धरोहर है और आज अपने शिव में ही समा गई, जिसके लिए मुझे शिवजी ने ये शक्तियां दी थी और ये शक्तियां मेरे पास सूर्योदय तक है। तो उस नागमणि को पाने के बारे में तुम सोचना भी मत, वरना इस बार मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। पर तुम यहां कैसे? तुमने ये रूप कैसे लिया? महेशमती अवंतिका कहां है? भूल गई शेषा, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं और हम इच्छाधारी नाग नागिन जब चाहे किसी का भी रूप ले सकते हैं। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे मार दिया, पर देख लो, मैं नहीं मरी, मैं जिंदा थी। Sure.
यही सोच रहे हो ना? कैसे? सूर्योदय होने तक मेरी शक्तियां मुझे मरने नहीं देंगी। जाओ ऋतिक, जाकर नागमणि को बचाओ और मैं इस दीवार को टूटने से रोकूंगी। जाओ। दूसरी नागिन यहां आई थी, जाओ जाकर उसे कैद कर लो। रानी साहिबा, आप महल से, लेकिन आप तो दीवार के उस पार चली गई थी। हम दीवार के उस पार कैसे जा सकते हैं? जा सकते तो 25 साल इंतजार क्यों करते? नहीं रानी साहिबा, हम सभी के सामने शेषा ने आपके हाथ में नागमणि दी और आप दीवार के। पर आप तो महल से आई हैं, तो अगर आप दीवार के उस पार नहीं गई हैं, तो फिर कौन हमारी नाक के नीचे से वो नागमणि चुरा के ले गया? वो नागमणि हमारे पास आई नहीं, हम खुद यहाँ नहीं आए, हमें किसी ने निद्रा विष दिया। और डरो मत शेषा, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। मैं आज भी तुम्हें अपनी बहन मानती हूं। कुछ ही क्षणों में अमावस की यह रात पूरी हो जाएगी और सूर्योदय से पहले मैं खुद तुम्हें दीवार के उस पार महिष्मतियों की दुनिया में छोड़ आऊंगी। जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा, अपने मान ईमान अपने भगवान को छोड़ा तुमने। इंतजार करना होगा, करेंगे, पर नागमणि वापस ला कर रहेंगे। जिन्हें सबक मिलना था मिल गया, नागमणि को जहां समर्पित होनी थी हो गई। अमावस की ये काली रात अब ढलने ही वाली है। सूर्योदय होने ही वाला है। अब दीवार के उस पार से इस पार तक कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जंग बीत गई अमावस्या की रात,
अब 25 साल बाद वो रात वापस आएगी। हम इंतजार करेंगे, पर तब तक इस इच्छाधारी नागिन को यहाँ कैद कर दो। यही वो नागिन है जो हमारे लिए वो दीवार तोड़ेगी, वहां से नागमणि वापस हमारे पास लाएगी। कैद कर लो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। अब मैं अपनी सारी शक्तियां खो चुकी हूं। अब हम दोनों इंसान हैं। अब मेरा लक्ष्य है तपस्या करना और तुम्हारा नागमणि की रक्षा करना। अब यहीं से हमारे रास्ते अलग होते हैं ऋतिक। योगीराज, ये कैसा संकेत है? जय भोलेनाथ। शिव जी की महिमा अपरंपार है। तुम दोनों ने नागमणि की रक्षा का जो वादा किया था उसे आखिरी सांस तक निभाया, जोड़े से निभाया, इसलिए शिव जी ने इस जोड़े को आशीर्वाद दिया है। तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे, साथ रहे, साथ रहे। पर तुम दोनों के मिलन से जो संतान पैदा होगी वो संतान इंसान होगी या नागिन, ये तो शिव जी ही जाने। तुम दोनों को जो आशीर्वाद मिला है शिव जी से, वो आशीर्वाद उस संतान को नहीं मिलेगा। यदि वो नागिन हुई और उसने इंसान से प्यार किया तो उसे उसकी सजा मिलेगी, परंतु ये तय है कि तुम दोनों की संतान इस दुनिया में जरूर आएगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अभी से हमारी नए जीवन की शुरुआत होती है ऋतिक। Thank you.
बाल भी तो लगा दिया। अब मैं देखूं कैसे कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी आंखों को आईना बना लो और मेरी आंखों से देखो। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं ऋतिक, कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद इंसान बनकर अजीब सा ही लग रहा है। जब ये सब होता है तो इंसानों को ये सब हो जाता है। तुम्हें है ना, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्यों? मुझे आराम की जरूरत है। नहीं, उसे सिर्फ डॉक्टर ही ला सकता है। किसे? इसे। लगता है फिर किसी को ला, फिर एक नई जंग लड़ते। उसके सिवा कौन लड़ सकता है यह जंग? शिवन्या का बेटा या बेटा? अब नई शुरुआत के लिए आपने कौन सी कायनात रची, ये तो आप ही जाने भोलेनाथ। न मैं जानता हूं न वो दोनों। संतान के रूप में कौन आने वाला है, बेटा या बेटा? देखो, अगर लड़का हुआ तो मैं उसे फुटबॉल का नंबर वन प्लेयर बनाऊंगा, और अगर लड़की हुई तो टेनिस की जाबाज खिलाड़ी। देखो, बेटा हो या बेटी, वो होगी हमारी ही निशानी, हम दोनों की एक नई कहानी। कहते हैं उस दिन आसमान बहुत मुस्कुराया था, क्योंकि उस दिन उसने दो प्यार करने वालों को पाया था। ये उनकी कहानी का अंत नहीं, अंत से होगी फिर एक नई शुरुआत। दो प्यार करने वाले फिर लौट के आएंगे, प्यार की एक नई निशानी लेके, फिर एक नई प्रेम कहानी लेके। नागिन की 25 साल आगे की कहानी का दूसरा भाग 4 महीने बाद। जय भोलेनाथ।